महाराष्ट्र में वोटिंग के दौरान कहीं से हंगामे या हिंसा की खबर तो नहीं आई, लेकिन आज वोटिंग के दिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई बिटकॉइन घोटाले की। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर उंगलियां उठाई गई। पूर्व आईपीएस अफसर रविंद्र पाटिल ने इल्जाम लगाया कि पुणे के दो पुलिस अफसरों की मदद से बिटकॉइन घोटाला किया गया और इससे मिले 235 करोड़ रुपए की रकम का इस्तेमाल महाराष्ट्र के इलेक्शन में हुआ। असल में मामला 6 साल पुराना है, जब अमित भारद्वाज नाम के एक शख्स पर बिटकॉइन घोटाले का इल्जाम लगा था। अमित भारद्वाज पर आरोप लगा था कि उसने लोगों की इन्वेस्टमेंट को रातों रात बढ़ाने के नाम पर बिटकॉइन फर्म में इन्वेस्टमेंट करवाए और फिर पैसे लेकर दुबई भाग गया। इस मामले की जांच पिछले 6 साल से ईडी कर रही थी। इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर रविंद्र पाटिल भी जांच में शामिल थे, हालांकि बाद में उन पर भी बिटकॉइन के एक वॉलेट को गायब करने का इल्जाम लगा। इसके बाद रविंद्र पाटिल 14 महीने जेल में रहे। अब उन्होंने इस मामले में एक गवाह गौरव मेहता के हवाले से सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रविंद्र पाटिल का दावा है कि उन्हें बिटकॉइन के 235 करोड़ के जिस वॉलेट को गायब करने के इल्जाम में जेल भेजा गया था, वो वॉलेट उस वक्त पुणे के पुलिस कमिश्नर रहे अमिताभ गुप्ता और डिप्टी पुलिस कमिश्नर भाग्यश्री नौटाके ने गायब किए थे। रविंद्र पाटिल ने दावा किया कि गौरव मेहता ने उनको 4 वॉइस नोट भी भेजे, जिसमें सुप्रिया सुले, नाना पटोले और अमिताभ गुप्ता की आवाजें हैं और वो बिटकॉइन को एक्सचेंज करके दुबई से कैश मंगाने की बात कर रहे हैं। एक वॉइस नोट में सुप्रिया सुले की आवाज में यह कहते सुना जा सकता है कि पैसे की सख्त जरूरत है, गौरव मेहता तुम खेल मत करो, पैसे दुबई से ला कर दो। एक और वॉइस नोट में नाना पटोले की आवाज है, जिसमें उस वक्त के पुणे के पुलिस कमिश्नर रहे अमिताभ गुप्ता से 50 करोड़ मंगाने की बात की जा रही है। रविंद्र पाटिल ने कहा कि जांच एजेंसियां चाहेंगी तो सारे सबूत उनको देने को तैयार है। ये पैसा जो है बिटकॉइन का, ये गौरव मेहता कह रहा है और उसने ये कहा कि यह पैसा जो है बाद में महाराष्ट्र के लोकसभा इलेक्शन में फंडिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। उसने दो लोगों के नाम लिए, एक नाम लिया सुप्रिया सुले का, दूसरा नाम लिया नाना पटोले का। मैंने फिर भी भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने बाद में बताया कि अभी भी महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में उसी बिटकॉइन का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और इन्हीं दो लोगों के लिए अमिताभ गुप्ता के आदेश पे मैं खुद, मतलब गौरव मेहता, बार बार दुबई जाकर बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट करता हूं और वो कैश महाराष्ट्र के इलेक्शन में इस्तेमाल हो रही है। मेरे पास वो सारे स्क्रीनशॉट्स है, वो सारे ऑडियो है, वो मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देने के लिए तैयार हूं। तो उन्हें मुझे कभी भी बुलाए, मैं उनके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। चूंकि आज महाराष्ट्र में वोटिंग थी, इसलिए जैसे ही बिटकॉइन घोटाले में सुप्रिया सुले और नाना पटोले पर इल्जाम लगे तो बीजेपी ने इसका पूरा पूरा इस्तेमाल किया, इशू बना दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वॉइस नोट सुनाए जिसमें सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज बताई जा रही है। सिग्नल ऐप पर हुई चैटिंग के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए, जिसके मुताबिक गौरव मेहता और दूसरे आरोपियों के बीच हुई बातचीत थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, अब यह बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के दामन पर दाग हैं, अब नाना पटोले और सुप्रिया सुले को जवाब देना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के से 5 सवाल पूछना चाहते हैं। सबसे पहले वो ये बताएं कि जो इस वीडियो क्लिप में और ऑडियो क्लिप में दिखाई पड़ रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी अथवा उनके किसी भी नेता, जो यहां पर नाना पटोले जी और सुप्रिया सुले जी के बारे में दावा किया गया है, क्या वो बिटकॉइन के किसी भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं या नहीं, और यदि हैं तो वो लीगल ट्रांजैक्शन है या वो इलीगल ट्रांजैक्शन में भी इन्वॉल्व है? ये बताइए कि क्या गौरव मेहता और इस गुप्ता नामक व्यक्ति से आपका कोई संबंध है या नहीं, कि इस प्रकार का कोई भी संवाद क्या आपका गौरव मेहता अथवा मिस्टर गुप्ता या किसी भी व्यक्ति से हुआ है या नहीं? सिर्फ रस्म अदायगी के ट्वीट से कार्य नहीं चलने वाला, आपको साफ आकर कहना होगा कि यह आपकी आवाज है या नहीं। जो नारा था कि हाथ हालात बदलेगा, अब दिख रहा है कि हाथ करामात क्या कर रहा है। यह जो मोहब्बत की दुकान है,
इसमें सामान और सामान का भुगतान कहां से हो रहा है। आज देश की जनता के सामने एक गंभीर प्रश्न आया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मोहब्बत की दुकान के सामान का भुगतान सात समुंदर पार से हो रहा हो, और उससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि इस मोहब्बत की दुकान का सामान कहीं दुबई से तो नहीं आ रहा था। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। सुप्रिया सुले ने रात में ही ट्वीट करके आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा यह उनकी आवाज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनकी आवाज को कॉपी किया गया है, यह डीप फेक है, बीजेपी वोटिंग से पहले झूठे इल्जाम लगाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज सुबह अजीत पवार ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि वो सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज और उनके अंदाज को अच्छी तरह जानते हैं और उन्हें लगता है कि वायरल वॉइस नोट में इन दोनों की आवाज ही है। हालांकि अजीत पवार ने यह भी कहा कि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जो कुछ ऑडियो दिखा रहे हैं वो आवाज के बारे में मुझे इतना ही जानकारी है। मैं दोनों को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। एक तो मेरी परिवार की मेरी बहन है और दूसरे हमने जिनके साथ बहुत साल काम किया है, एक दूसरे के विरोध में भी किया है, एक दूसरे के साथ भी किया है, महाविकास आघाड़ी में भी किया है, वो बीच में बीजेपी के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ऐसे सभी जगह उन्होंने काम किया, तो वो भी आवाज उनका ही है, उनका बोलने का टोन, उनका आवाज दोनों का वही है। अभी इसके बारे में इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी होने के बाद पता चलेगा कौन है क्या है इसके पीछे, सच राज क्या है वो पता चलेगा। जब विवाद बढ़ा, अजीत पवार ने भी बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, तो सुप्रिया सुले ने कैमरे पर आकर जवाब दिया। सुप्रिया ने कहा उन्होंने इस मामले की शिकायत साइबर क्राइम यूनिट से कर दी है, सुधांशु त्रिवेदी को क्रिमिनल डेफेमेशन का नोटिस भेजा है। सुप्रिया सुले ने कहा सारे इल्जाम झूठे हैं, बीजेपी उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वो इसके खिलाफ अदालत जाएंगी। अजीत पवार के बयान पर सुप्रिया सुले ने कहा वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके बारे में क्या कहना। उन्होंने जो जो आरोप किए, उन्होंने मुझे पांच सवाल पूछे, पांचों सवाल, और उन्होंने मुझे कहा है कि बाहर आके जवाब दे। मैं बाहर आके जवाब देने के लिए कभी भी तैयार हूँ। सुधांशु त्रिवेदी जिस शहर में चाहे, जिस चैनल पे चाहे, जिस वक्त चाहे, वो जहाँ बुलाएंगे मैं आ जाऊंगी और हर एक का जवाब मैं दे दूंगी, क्योंकि फॉर ऑल द क्वेश्चंस माय रिप्लाई इज नो 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 नो, लाइज 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 लाइज, सारे आरोप झूठ है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। और इसीलिए मैंने पहले साइबर क्राइम को कंप्लेन की, पॉइंट नंबर वन, एंड पॉइंट नंबर टू मैंने डिफॉर्मेशन का नोटिस उनको भेजा। अजीत पवार ने ये कहा कि मैं दोनों को जानता हूँ, नाना पटोले को भी, आपको भी, आवाज मुझे मिलती जुलती लगती है, लेकिन जांच आखिर जांच अधिकारियों को जांच तो को करनी चाहिए, उनका जवाब। हाँ बिल्कुल, जांच तो होनी चाहिए और वो अजीत पवार है भैया, कुछ भी बोल सकते हैं। रामकृष्ण हरि। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले भी सामने आए। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी के नेता विनोद तावड़े कल कैमरे के सामने पैसे बांटते पकड़े गए, इसलिए बीजेपी ने इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए बिटकॉइन की झूठी कहानी गढ़ी। नाना पटोले ने कहा दो चार दिन बाद की बात है, चुनाव के बाद महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाएगी, उसके बाद बीजेपी को ढंग से सबक सिखाएंगे। मेरा है क्या, वो पूरा देश मेरा आवाज पहचानता है, मोदी जी तो मेरे आवाज को तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन जिस तरह से ऊंची राजनीति बीजेपी ने शुरू किया है हार के डर से, वो तो अब स्पष्ट हो चुकी है। आप आज सोशल मीडिया में देखिए, सब लोग इनको हंस रहे हैं। अब परिस्थितियाँ ऐसी है कि आज बीजेपी की जो मानसिकता है, कल विनोद तावड़े जो इनके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हुए, वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए, दूसरे देवेंद्र फडणवीस के पीए जिसको आरवी का टिकट दिया, उसके गोदाम में दारू मिली। तो हमारा कहना है कि ये लोग नोट जिहाद और दारू जिहाद लाना चाहते महाराष्ट्र में, इसका जवाब बीजेपी ने देना है। और वो बात छुपाने के लिए आज कल रात को एक तथाकथित एक तोतैया आईपीएस अधिकारी लेके आए, रविंद्र पाटिल, वो आईपीएस कभी रहा नहीं है।
तो वो खुद ही जेल में था, उसको सामने करके हम लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया गया। तो हमने कल ही उनको मानहानि का एक नोटिस भी हमने इशू किया है, कल FIR भी दर्ज हमने करवाई है हमारे लीगल सेल ने। तो हम इंक्वायरी पूरी करवाएंगे, सरकार हमारी आ रही है, ऐसे ओचेगिरी करने वाले BJP को हम सबक बिल्कुल सिस्टमेटिक सिखाएंगे। बिटकॉइन के जरिए 235 करोड़ की हेराफेरी का इल्जाम गंभीर है, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी है जिससे मामले की गंभीरता पर शक होता है। पहली नजर में लगता है कि वोटिंग से पहले इस तरह के खुलासे का मकसद सियासी है, इसमें सच कम है, राजनीति ज्यादा है। शरद पवार की बात सही लगती है कि जिस अफसर पर खुद बिटकॉइन बैलेट की चोरी का आरोप हो, जो खुद जेल में रहकर आया हो, उसके आरोपों पर यकीन कैसे किया जा सकता है। सवाल यह भी है, अगर रविंद्र पाटिल के पास वॉइस नोट पहले से थे, सारे मामले की जानकारी पहले से थी, तो वो किस बात का इंतजार कर रहे थे? उन्होंने ये खुलासा कल रात को ही क्यों किया? ये जानकारी पुलिस को पहले क्यों नहीं दी? आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में सब होशियार हैं, सब जानते हैं फ़ोन रिकॉर्ड हो सकता है, इसलिए कोई इस तरह की बातें फ़ोन पर नहीं करता। फिर कोई वॉइस नोट भेजकर पैसे की मांग करेगा, ये बात गले नहीं उतरती। सुप्रिया सुले कह रहे हैं कि AI के जरिए उनकी आवाज़ को कॉपी करके डीप फेक मैसेज क्रिएट किए गए, इसकी संभावना है, ऐसा होता है, आजकल बहुत हो रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। कुछ एजेंसीज ने इस बात को कंफर्म किया है कि वॉइस नोट में जो आवाज है वो AI के जरिए क्रिएट की गई है, लेकिन जब इसकी फॉरेंसिक जांच होगी तो सच सामने आएगा। लेकिन फिलहाल वोटिंग पर अगर इसका असर होना था तो वो तो हो चुका।